हम लोग सवाल कहाँ उठाया, जब हिंदुस्तान में पहले कोविड शुरू हुई थी हम लोग सचेत किया, ये हमारा जब तरफ से जब सचेत किए जा रहे थे वो लोग हमारे बात नहीं माने और कहने लगे हम कुछ नहीं जानते, बेकार बात खिजुले बात करते हैं, बेबुनियाद बात करते हैं, आधारहीन बात करते हैं, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगे थे। और परिणाम क्या निकली, 54 लाख हिंदुस्तान के आम लोग कोविड की जरिए कोविड से पीड़ित होकर मौत की शिकार बन गए, 54 लाख। अगर राहुल जी की बात उस समय सुन लेते तो हिंदुस्तान में इतने लोगों की मौत नहीं होते। आज फिर दोबारा ये स्टेटमेंट डाले गए सदन के अंदर, और समय को अगर देखा जाए तो समय कौन सा समय है, जब राहुल गांधी पदयात्रा के दौरान दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, और जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में जन सैलाब देखा जा रहे हैं तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन ही बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, तो अगस्त में सितंबर में नवंबर में ये पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई, हाँ सितंबर से शुरू हुई G20 में क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क। आज आपको लगा जब राहुल गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और जन सैलाब खड़े हुए हैं तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी के पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए, तो ये एक साजिश। ओमिक्रॉन और इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल मानने के लिए सबसे आगे खड़े है कांग्रेस पार्टी, लेकिन ये देखना पड़ेगा समय के अनुसार क्यों ऐसा हो रहे हैं। दिसंबर से नवंबर में मिल चुके हैं ये जो वेरिएंट, अभी क्यों सचेत किए जा रहे हैं, इतने दिन क्यों सो रहे थे सरकार, मोदी जी की प्रचार क्यों नहीं बंद हुई थी, मोदी जी अभी भी त्रिपुरा में प्रचार रैली किए हैं कुछ दिन पहले, बीजेपी पार्टी की रैली चल रही है सारे देश में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।